हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। स्टूडेंट्स, बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है राइट शॉर्ट नोट सिल्का ब्रिक एंड फायर क्ले ब्रिक। ब्रिक मतलब होता है ईटा, ईट जिससे हम लोग घर द्वार बनाते हैं ना। ईट तो सब कोई देखे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि कोई बोलोगे सर ईट क्या होता है। ईट के बारे में तो सबको पता है। अब ईट किस चीज से बनाया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत पहले की बात है स्टूडेंट्स, ईट जो बनाया जाता था जिसे हम लोगों ने भी देखा है और आप लोगों में बहुत स्टूडेंट देखे भी होंगे। ईट बनाया जो जाता था ना, सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता था। पानी, पहले मिट्टी में पानी डाल के उसे एक मोल्टेन टाइप का लेयर बनाया जाता था ना। बहुत सारा मिट्टी में पानी डाल के और उसे पूरी तरह से एक पेस्ट तैयार कर लिया जाता था। पेस्ट बनाने के बाद उसमें से एक एक कंकर पत्थर को चुनकर बाहर निकालता था, पैर से उसको सानता था। जिस तरह से आटा को हम हाथ से ऐसे सानते हैं ना, लेयर बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, उसी तरह से वो लोग पैर से, क्योंकि मिट्टी रहता था बहुत सारा, पैर से ऐसे 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 करके वो उसे सानते थे। हम मैंने देखा भी उसे, और अभी भी होता है, देखिएगा चिमनी पे जाके। अब तो मशीन से होने लगा है। तो मिट्टी को पानी के साथ अच्छा से पेस्ट बना लिया जाता था, उससे एक एक कंकर पत्थर को बाहर निकाल लेता था। कैसे निकालता था, पैर के नीचे पड़ता था तो इसे पकड़ के फेंक देता था। उसके बाद एक फर्मा होता था इस टाइप का ना? और एक साइज होता है जो ईंट का, उसी साइज का फर्मा बना होता है। लकड़ी का बना होता था, किसी का लोहे का भी बना होता था, ज्यादा करके लकड़ी का ही बनता था। और जिस कंपनी का होता था उस कंपनी का नाम ईटा में ही फर्मा टाइप का इसमें निकाल कर देसे बना दिया जाता था। मानो MTC है, एक कंपनी है और उस कंपनी में MTC लिखा हुआ है, माही टेक्निकल क्लासेस ना, ईटा बनाने वाले कंपनी, तो लिखा है MTC। फिर वो जो पेस्ट बना हुआ था ईटा मिट्टी का, उसको इसमें डाल के दाब दिया जाता था हाथ से, और फिर इसको बराबर कर देता था। और उसके बाद बराबर हो जाने के बाद फिर उसे निकाल लिया जाता था ना, उसी टाइम फिर उसको बाहर ऐसे से ठोक ठोक कर निकाल के छोड़ देता था। दो तीन दिन तक वो सूखता था ईटा। फिर ईटा सूखने के बाद उसमें MTC लिखा जाता था, ठीक है, जो कंपनी का है वो लिखा जाएगा। फिर उस ईंट को पकाया जाता था आग में, एक जिसको भट्ठा कहते हैं। पहले चिमनी नहीं था, भट्ठा था। वो कैसे बनता था स्टूडेंट्स, इस तरह से ईंट पे ईंट रख के बनाया जाता था। बेस जो होता था नीचे का मोटा होता था बड़ा, और ऊपर इस तरह से चलता था, इस तरह से चलता था। ऐसा क्यों बनता था, बेस ज्यादा चौड़ा रहेगा ना तो ईटा जो है गिरेगा नहीं, और एक एक ईंट करके चौंक के रखा जाता था इसे। नीचे वाला जो पार्ट था ना, इस तरह से इतना इतना बड़ा छोड़ देता था, और ये सब ईंट जो है चौंक के ऐसे 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 करके रख देता था। ये पूरा ईंट है ना, इस तरह से बेस चौड़ा रहता था और ऊपर पतला रहता था जिससे जल्दी गिरता नहीं था। और ये हर ईंटे के भाग होता था छोटा सा होल होता था, ठीक है, उस होल में कोयला होता है ना, कोयला को रख दिया जाता था। और ये जो बड़ा बड़ा पार्ट होल है इसमें भी कोयला दे के इसमें आग लगा दिया जाता था। इसमें जब इसमें आग लगाया जाता था तो आग इतना जोर से पकड़ता था, इतना ज्यादा कि इसके आग के लपेट में सब पूरे भट्ठा में आग लग जाता था, इसमें पूरे में आग लग जाता था, ठीक है। और ये लगभग 10 दिन तक आग लगा ही रह जाता था। अगर बारिश हो जाए बीच में तब इसको बड़ा नुकसान होता था। ये बहुत दिन पहले की बात है, 2002 से भी पहले की बात है, 1998 1999, ठीक है,
95 इस सब में हमने देखा था इसको स्टूडेंट्स। क्या इसमें नुकसान क्या होता था कि आज इसमें आग लगाए और दो दिन के बाद अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गया तो आग बुझ जाता था, और आग बुझने के बाद फिर दिक्कत होता था, फिर से दोबारा आग लगाना पड़ता था जब तक पूरी तरह से धोए नहीं। अगर 10 दिन तक बारिश होते रह जाता था स्टूडेंट्स तो ये फिर ढह के गिर जाता था, ऐसे ऐसे जितना ईटा बना था नुकसान हो जाता था, और जिसका भट्ठा रहता था उसे बहुत दिक्कत होता था, उसे दिक्कत का सामना करना पड़ता था। क्या करेगा, नेचुरली बारिश है, बारिश हम लोगों तो नहीं कराया, हो जाता था। इसीलिए उन लोगों को बैसाख का दिन में, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा धूप रहता है उस टाइम में, गर्मी के मौसम में जब बारिश ज़्यादा नहीं होता है, उस मौसम में वो लोग भट्ठा लगाते थे ताकि बारिश ना हो। लेकिन अब तो चिमनी हो गया है, बारिश हो कुछ भी उससे कुछ मतलब नहीं है, जब मन तब हो इलेक्ट्रिक तरीके से आग लगा दो, जब मन हो आग बुता दो, इससे बहुत कम दिन में भी आपका ईटा तैयार हो जाता है। तो उस समय क्या होता था, आग अगर इसमें ज़्यादा लग गया तो ईटा जल भी जाता था, जिस तरह से रोटी जलता है उस तरह से ईटा भी जलता है, जिसे आप झामा ईटा कहते हो, ठीक है। वो ईटा एक दूसरे को पकड़ लेता था और उस लावा की तरफ फूट जाता था ईटा, और वो झामा बन जाता था, मतलब वो यूज लायक नहीं है, उसका हम लोग यूज नहीं कर पाते थे, मतलब ज़्यादा आग लगने के कारण बहुत सारा ईटा बर्बाद हो जाता था, ठीक है। अगर 10 लाख ईटा है ना, जिसमें कम 10 लाख ईटा में कम से कम 20,000, 30,000, 50,000 तक ईटा खराब होता था, क्योंकि कुछ ईंटे तो जलता भी नहीं था, कच्चा ही रह जाता था जहाँ तक आग नहीं जाता था, और कुछ ईंटे ज़्यादा आग लगने के कारण खराब हो जाता था। तो ये बहुत दिन की बात है, धीरे धीरे डेवलप हुआ, आप लोगों ने डेवलप किया तो फिर चिमनी बना, और चिमनी में क्या होता है कि ईंटा खराब नहीं होता है, बहुत कम, नहीं के बराबर ईंटा खराब ही नहीं होता है चिमनी में, और बहुत कम समय में, समय की भी बचत होती है, पैसे की भी। और इसमें क्या होता था, आग जो लगाता था ये एक्सटर्नल पार्ट है, तो जितना इसमें आग होना चाहिए उसका कम से कम 30-40% आग का जो हीट होता था ना, वो हीट बाहर फैल जाता था, वो सभी हीट इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाता था, मुश्किल से 100% जो हीट था उसका 50-60% ही इसमें यूज होता था, और बाकी सब बाहर फैल जाता था, जिससे कॉस्ट भी ज़्यादा लगता था, खर्च ज़्यादा लगता था, लागत बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन स्टूडेंट जब चिमनी आया, चिमनी का निर्माण हुआ, तो इसमें क्या होता है, धरती के नीचे ही ईंटे को पैक कर दिया जाता है, और धरती के नीचे ही आग लगाया जाता है, धुआं ऊपर से निकलता है, तो जितना भी हीट होता है ना, सभी की सब हीट ईंटे में यूज हो जाता है, 100% हीट जो है ईंटे में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसी में यूज हो जाता है। इसीलिए कम कॉस्ट और कम समय में चिमनी में ईंटा अच्छे से एक क्वालिटी का पकता है। तो चिमनी का ईंटा ए क्वालिटी होता है, भट्ठे का बी क्वालिटी होता है, सी क्वालिटी होता है, इसका ईंटा अच्छा नहीं होता है। इसीलिए अब देखोगे कहीं भी नहीं, बहुत माइनर केस में आपको ये देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आप घूमने के लिए जाओ ट्रेन से या फिर बस से कहीं, तो देखोगे खेत खलिहानों में आपको इस टाइप का भट्ठा देखने को मिलेगा, जिसका ईंटा अभी तक लोग यूज नहीं कर रहे हैं ना। हम बहुत देखोगे, जाओ पटना जाओ या फिर कहलगांव तक जाओ या फिर आप गया तरफ जाओ या मधेपुरा तरफ जाओ या पटना की तरफ जाओ या मधुबनी आप मुंगेर की तरफ जाओ या फिर आप दरभंगा की तरफ जाओ, बेगूसराय जाओ, कहीं भी आप घूमने के लिए जाओ तो आपको इस टाइप का भट्ठा मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यूज इसका ज़्यादा नहीं होता है, लोग नहीं करते, इससे इसका यूज करने से बहुत डरते हैं, लेकिन चिमनी का ईंटा एक नंबर का होता है, उसी का यूज करना भी चाहिए। और आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जब जाओगे तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा टाइप्स ऑफ ब्रिक, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक, करेक्टर ऑफ ब्रिक, ठीक है, उसमें आप अच्छे से पढ़ोगे। तो आपको मैंने बताया था कि ईंटा कैसे तैयार होता था, लेकिन धीरे धीरे डेवलप हुआ, अब जो ईंटा है बहुत टाइप का बनने लगा है, पहले इस तरफ का ईंटा बनता था, और इससे भी पहले आप लोगों को दादा मुझे भी सुनाते थे क्या, पहले ईंटे में नंबर नहीं होता था, इतना बड़ा बड़ा ईंटा बना दिया जाता था बिना नंबर का, धीरे धीरे नंबर आने लगा, कंपनी अपना अपना नाम देता है। तो स्टूडेंट्स अब क्या होता है, ईंट अब बहुत टाइप का है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ दो ईंट की बात कर रहा हूँ, एक सिलिका ब्रिक, दूसरा फायर क्ले ब्रिक।
तो अभी जो मैं बात कर रहा था ना, ये फाइव क्ले ब्रिक का, अभी जो मैं बात कर रहा था ये फाइव क्ले ब्रिक का, फाइव मतलब आग, क्ले मीन्स मिट्टी, ब्रिक मतलब ईटा, है मिट्टी को जलाकर बनाया गया ईटा को कहते हैं फाइव ब्रिक। एक है सिलिका ब्रिक, सिलिका ब्रिक मतलब क्या, एक ऐसा ब्रिक जिसमें सिलिका का यूज किया हो, सेंड का यूज किया हो, चूना पत्थर का यूज किया हो, उसको कहते हैं सिलिका ब्रिक। अब बढ़िया से समझते हैं, दो प्रकार का ईट है, एक ईट है ये, दूसरा ईट हमारे पास ये है, इसमें स्टूडेंट लिखा है सिलिका, सिलिका ब्रिक, इसमें लिखा है फायर क्ले ब्रिक। ठीक है, हमारे पास दो ब्रिक, सिलिका ब्रिक एक फायर क्ले ब्रिक, इसमें जो स्टूडेंट यूज होता है ना, इसमें यूज होता है सैंड प्लस SiO2 प्लस क्वार्ट्ज, लिख दो क्वार्ट्ज प्लस 2% लाइम, चूना पत्थर, और इसमें जो प्लस वाटर, और इसमें यूज होता है क्ले मिट्टी प्लस H2O। बस इसमें टेम्परेचर चाहिए स्टूडेंट्स, इसमें इसमें टेम्परेचर चाहिए 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और इसमें टेम्परेचर चाहिए स्टूडेंट्स लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मेंटेनेंस 12 से 24 घंटा में हो जाता है स्टूडेंट्स, और इसका तो बहुत ज्यादा समय लगता है, कितना मैं टाइम दिया हूँ, 2 से 3 दिन भी लग सकता है, देख लेता हूँ 2 से 3 वीक, 2 से 3 वीक्स। अब बात को समझना, हमने दोनों का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, लिखा हुआ है आपको मैंने जो नोट दिया है, ये सिलिका ब्रिक है और ये फायर क्ले ब्रिक है। फायर क्ले ब्रिक तो हमारा जो घर बन दिया है सेम कलर का होता है, रेड कलर का होता है ना, पकने के बाद जैसा कलर है, लेकिन सिलिका ब्रिक जो है आप इसको बहुत सारे कलर में देख सकते हो, इसमें सीमेंट भी होता है स्टूडेंट्स, सीमेंट का भी कुछ पार्ट होता है, बालू भी होता है। तो सिलिका ब्रिक में, इसको नाम सिलिका ब्रिक क्यों दिया गया, सीमेंट बालू लाइम चूना पत्थर पानी क्वार्ट्ज पत्थर का जो जहाँ पे काम होता है ना, तो पत्थर का जो टुकड़ा झड़ता है, छोटा छोटा पार्ट जो झड़ता है बालू की तरह, उसी को कहते हैं क्वार्ट्ज सिलिका। तो सबको मिलाकर पानी के साथ, सिलिका ब्रिक के बारे में बोल रहा हूँ, इसका तो कहानी मैंने सुना दिया, मिट्टी का जो बनता है ना, देख भी सकते हैं सिलिका ब्रिक में सैंड क्वार्ट्ज 2% लाइम 2% चूना पत्थर, 2 से 3% चूना पत्थर उसमें दिया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद सीमेंट क्वार्ट्ज और पानी को मिला के एक पेस्ट बनाया जाता है, पेस्ट तैयार करके और लकड़ी का या फिर लब्बड़ का फ्रेम आता है, और उस फ्रेम में इस पेस्ट को डाल कर, जिस तरह का ये फ्रेम होता है उसी तरह का ये भी फ्रेम होता है, उस फ्रेम में इसको रख दिया जाता है। इस ईटा को क्या करता है, जिस समय बनाया जाता है उसी समय फ्रेम से निकाल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स सिलिका ब्रिक में क्या होता है कि जिस फ्रेम में ईंट होता है ना, उस फ्रेम को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, अगर 1 लाख ईंट बनाया ना तो 1 लाख फ्रेम होना चाहिए, क्योंकि इसको फ्रेम में ही लगभग 10 से 12 घंटा इसको मेंटेनेंस के लिए छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद फिर उसको बाहर निकालते हैं और 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको सुखाया जाता है, और सूखने के बाद फिर वो एक ईंट बन के तैयार होता है, उसी को कहते हैं स्टूडेंट सिलिका ब्रिक। लेकिन धीरे धीरे अब क्या होने लगा है कि मशीन से एक प्रेशर के साथ सिलिका ब्रिक मशीन में रख दिया जाता है, मशीन से बहुत चारों तरफ से, ऊपर से नीचे से इधर से ज़्यादा प्रेशर देकर उसको दबा दिया जाता है, इतना प्रेशर देता है उस पर, इतना दबा देता है कि उसके मॉलिक्यूल आपस में इतना सट जाता है कि फिर उसको फ्रेम की जरूरत नहीं पड़ता है,
फिर उसको निकाल के बाहर में छोड़ दिया जाता है टेम्परेचर में, फिर वो सूख जाता है 1500 से कम ही टेम्परेचर पे, फिर उसका हम लोग यूज करते हैं। मतलब इस प्रकार की ईंट में आग नहीं लगाया जाता है, इसमें कोयले का यूज नहीं होता है, इसीलिए स्टूडेंट्स ये थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है और ये सस्ता होता है। ये ईंट सस्ता होगा, ये महंगा होता है। इस दोनों में कंपेयर करोगे कि अच्छा कौन होता है, तो फायर क्ले ब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये इसका वीकनेस बहुत होता है, ये मतलब जल्दी टूट जाता है, ये जल्दी टूटता नहीं है। अगर इस पर प्रेशर दिया जाए तो ये कहीं से भी टूट जाएगा, लेकिन इस पर प्रेशर दोगे तो जल्दी नहीं टूटता है। तो लेकिन ज़्यादा करके अब जो यूज होता है ना, सिल्का ब्रिक का यूज होता है। क्यों? क्योंकि घर जो बनाया जाता है ना, एक फ्रेम तैयार कर दिया जाता है पिलर पे, चारों तरफ इतना पिलर दे दिया जाता है, पिलर बीम, इतना मोटा मोटा पिलर बीम कि ईंटे की जरूरत भी नहीं पड़ता है, क्योंकि इस पर कोई लोड ही नहीं होता है। बस इसको एक पर्दा की तरह, अगर घर है दरवाजा के पास हम एक पर्दा लगा देते हैं, उस पर्दा पर कोई प्रेशर नहीं होता है। उसी प्रकार से जितना भी घर का लोड होता है, प्रेशर होता है, बीम और पिलर भी होता है, तो सिर्फ और सिर्फ पर्दे के रूप में एक दीवाल दे दिया जाता है 5 इंची का। अब तो 10 इंची का दीवाल पड़ता भी नहीं, 5 इंची का दीवाल देता है, इस पर तो कोई लोड ही नहीं है और सस्ता भी मिल रहा है। इसीलिए इसी ईंट का यूज करके स्टूडेंट्स उसका दीवाल दे दिया जाता है। ये महंगा होता है, इसीलिए स्टूडेंट्स इसका यूज ज़्यादा अब नहीं हो रहा है। लेकिन बड़ा बड़ा जो अपार्टमेंट बनता है, बिल्डर लोग बनाते हैं तो इसका यूज करते हैं। लेकिन हम लोग, आप और हम, अपना घर जब तैयार करते हैं, स्टूडेंट खुद से बनवाते हैं, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं? कि अपना घर है, खुद से बनवा रहे हैं, पैसा लगेगा, क्या दिक्कत है, हम लोग इस ईंट का यूज करते हैं। लेकिन बिल्डर लोग को क्या मतलब है? आज घर बना कल गिर जाए उसको क्या मतलब है, दशा भी मर जाए उसको क्या मतलब है, वो इसी ब्रिक का यूज करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, वो टूटने के लिए ही बनाता है, ऐसा नहीं है। बड़ा बड़ा कंपनी, बड़े बड़े इंजीनियर बोलते हैं कि इसका भी आप यूज कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने बतलाया कि दोनों में अच्छा कौन होगा, तो फायर ब्रिक, सस्ता कौन होगा, सिल्का ब्रिक। दोनों कैसे बनता है वो भी नहीं मैंने बतलाया। आप कहीं कहीं जाओगे घूमने के लिए, ये व्हाइट कलर में, ब्लू कलर में, हर कलर में मिलता है, इसमें कलर जैसा मिला देंगे वैसा मिलता है ना। घर के आगे भी, जैसे मॉल में जाओ तो मॉल के आगे भी देखोगे एक ईंट बिछाया जाता है ना, इस टाइप का होता है। ऐसा होता है ना, तो वो सब भी क्या सिल्का ब्रिक से ही बनाया जाता है, सीमेंट का ढलाई करके। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा इसमें सिल्का ब्रिक क्या है, फायर क्ले ब्रिक क्या है, तो इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में, इसके बाद जो वीडियो लेक्चर होगा, आई थिंक मुझे लगता है लास्ट वीडियो लेक्चर होगा, नहीं तो 2 वीडियो लेक्चर और होगा, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइलॉन क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इसका यूज क्या है, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, 6, नाइलॉन 6, 12, नाइलॉन 6, 10 कैसे बनता है। दो नाइलॉन का दो टाइप अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप नाइलॉन का कोई भी टाइप अपने से बना सकते हैं, बस तरीका होता है। तो स्टूडेंट्स सिल्का ब्रिक समझ गए, फायर ब्रिक आपको लिखने के लिए पूछेगा एग्जाम में, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, अच्छे से लिख सकते हो कि फायर क्ले ब्रिक, क्ले को, मिट्टी को वाटर के साथ एक पेस्ट तैयार किया जाता है, फिर उस पेस्ट को एक फर्मा में रख के उसे हाइयर प्रेशर देकर एक ईटा का रूप दे दिया जाता है, फिर उसे फ्रेम से निकालकर धूप में सुखाया जाता है, 2-3 दिन सुखाने के बाद फिर उसे आग में पकाया जाता है, आग में पकाने के 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड में पकाया जाता है, पकाने के बाद फिर उसे 2 से 3 दिन तक मेंटेनेंस किया जाता है, फिर उसे यूज में लाया जाता है। ये थोड़ा चीप एंड वेस्ट भी होता है स्टूडेंट्स, मजबूत भी होता है। सिल्का ब्रिक बोले तो सिल्का ब्रिक, सेंट, क्वार्ट्ज, सीमेंट और 2% लाइम स्टोन का यूज करके पानी के साथ इसका पेस्ट बनाया जाता है, रबर या लकड़ी के फ्रेम में इसे हाइयर प्रेशर पे दबा के फ्रेम में ही
कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर 12 से 15 घंटा मेंटेनेंस के बाद फिर उससे निकाल दिया जाता है और फिर इसको यूज में लाया जाता है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका हीट पे इसको तैयार किया जाता है, या फिर मशीन में हायर प्रेशर एंड टेम्परेचर पे उसको दबाकर एक ईट तैयार किया जाता है जिसका डेंसिटी बहुत कम होता है, रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। बस ये लिख देना। थैंक यू।